नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है ड्राइड अरबी, घुइयां भी कहते हैं इसको। पूड़ी के साथ तो इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन लगता है, पर बच्चे जो है इसे खाने से थोड़ा परहेज करते हैं। लेकिन आज मुझे आपको ऐसी रेसिपी बताएंगे कि आपके बच्चे भी इसको चटकारे लेके खाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। हमने 250 ग्राम अरबी ली है, जिसको एक सीटी लगाकर बॉयल कर लिया है। अरबी लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि अरबी एक आकार की गोल हो या लंबी हो, टेढ़ी मेढ़ी, पतली मोटी, इस तरीके की अरबी ना लें, क्योंकि ये सही से पकती नहीं है। मैंने एक सीटी लगाई है कुकर में और ये आराम से पक गई हैं, तो आप इसी तरीके की अरबी का चुनाव करें। ये देखिए दोस्तों, हमने अरबी को छील लिया है अच्छे से, और अब देख लेते हैं कि बाकी सामान में हमको क्या क्या चाहिए। 250 ग्राम अरबी है हमारे पास, और इसके साथ ही स्वाद अनुसार नमक है, और अदरक और मिर्च है कटी हुई, अजवाइन है जो कि अरबी की जान होती है, इसके लिए हमने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, और बाकी मसालों में थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच लाल मिर्च है, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच बेसन, एक चम्मच चावल का आटा और आधा चम्मच कसूरी मेथी का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम एक पैन में अरबी को मैरिनेट करके एक घंटे के लिए छोड़ेंगे। अरबी को हाथ से इस तरीके से दबा लें तो इसको भूनने में आसानी होती है, और जो है फ्राई होके क्रिस्पी बनती है, वरना थोड़े सा अंदर से कच्चा कच्चा सा रहता है। तो देखिए, इस तरीके से हमने अपनी सारी अरबी को दबा लिया है हाथ से। अब इसमें हम धीरे धीरे सारे मसाले डालते हैं। सबसे पहले इसमें हल्दी डाल देते हैं, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, हर तरफ कायदे से डालिएगा कि सारी अरबी में सही से मिल जाए। इसके बाद हम नमक डालेंगे इसमें। 250 ग्राम अरबी के लिए एक चम्मच बेसन और एक चम्मच चावल का आटा पर्याप्त है। यदि आप अरबी की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो उसकी मात्रा भी उस हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। सारे मसाले अच्छी तरीके से इस पर डालकर, और हम इसमें हल्का सा पानी का छींटा देंगे, और थोड़ा सा एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल भी इसमें डाल देंगे, और पानी का छींट लगा कर जो है इसको मैरिनेट करके एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, हमने अरबी को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। एक से डेढ़ घंटा छोड़ेंगे तो अच्छे से मसाले अरबी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और उसका स्वाद बेहतर आएगा। अब देखिए, हमने पैन में तेल लिया है और उसमें अजवाइन और जो है थोड़ी सी हींग डाल दी है, और अब इसमें हमने अदरक और मिर्च डाल दिया है कटा हुआ। अब इसमें हम धीरे से मैरिनेट करी हुई अरबी डाल देंगे। थोड़ी सी डेलिकेट होती है, इसलिए डालने में सावधानी रखिएगा। ये देखिए, हमने सारी अरबी को इसमें डाल दिया है, और ध्यान रखिएगा कि जो फ्लेम है वो स्लो टू मीडियम हो, और इस पर पकाइए। देखिए कितना अरबी में सुनहला सा, अच्छा सा, सुंदर सा कलर आ गया है, और अजवाइन की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अरबी में। इस तरीके से दोनों साइड से पलट पलट के हम इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ अरबी की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है। और आपके यहाँ बच्चे अरबी की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं या नहीं, ये भी बताइएगा। ये देखिए, अरबी लगभग हमारी तैयार है। अब हम जो है इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अरबी की सब्ज़ी तैयार है। अरबी के ऊपर थोड़ा सा अगर नींबू का रस डाल के खाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार इस विधि से अरबी की सब्ज़ी बनाकर देखिए तो आपको और आपके परिवार को पसंद आएगी।
और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इसी तरीके की रेसिपी के लिए मैं आगे भी